हेलो स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो बना रहे हैं। हम देखेंगे दो टेंस हमारे एक साथ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप इनको नोट कर लें। और देखिए कौन कौन से कल हमने बनाए थे। पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो आपको दी थी। अब हम कुछ चीज़ें पास्ट कंटिन्यूअस की समझ लें, कुछ पास्ट परफेक्ट की समझ लें, और इनको हम एक नोटबुक में नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद जैसे ही हम ये हमारे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक दो दिन लर्न करेंगे, उसके बाद हम एक टेस्ट भी लेंगे। देखो बच्चों, अपन वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट टेंस है हमारा ये, जो कि सीरियल की भी 6 नंबर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जैसे एक वर्ड है, प्रोग्रेसिव फॉर्म। देखिए द सेंटेंस विच शोज द वर्क और एन एक्शन इन प्रोग्रेसिव फॉर्म इन पास्ट। आई एम डिफाइन दैट द सेंटेंस विच शोज द वर्क, वो वाक्य जो कार्य को प्रदर्शित करता है, और एक्शन और एक क्रिया को प्रदर्शित करता है, इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में इन पास्ट, वो भी पास्ट में, तो वो कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी अगर हम पहचान करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन इंग्लिश वर्ड और इन इंग्लिश सेंटेंस? देखिए इंग्लिश में अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे with these words, these are symbols, or we can see identification of English sentence, adverbs, जैसे these days था present continuous में, अब यह उल्टा हो जाएगा those days, उसका opposite हो जाएगा those days, today का हो जाएगा that day, at present का हो जाएगा at past, now का हो जाएगा then, और nowadays, then it is, then that time, then that moment, at that time, एट दैट मोमेंट, इस टाइप से ही हो जाएंगे। और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली और कंटिन्यूटी ज़्यादा सारे होंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ और भी वर्ड्स भी हैं। ये दो हमारे कनेक्टिव वर्ड्स हैं, कंजंक्शन, जो WH वर्ड हैं, तो हमारे उसमें भी आते हैं कई बार। इसमें हम क्लॉज ऑफ टेंथ में, RBSE टेंथ में क्लॉज वाला टॉपिक है, एक सिंथेसिस वाला टॉपिक है, उसमें अपन जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को प्रिंसिपल सेंटेंस से, कॉम्प्लेक्स क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ के एक सेंटेंस मेंटेन करते हैं। उसमें हमारे वैन और वायल का यूज किया जाता है। अब वैन और वायल में से कॉम्बिनेशन देखेंगे, हम आगे बताया हुआ है कि कैसे वर्ब का यूज होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। हिंदी में क्या आइडेंटिफाई करेंगे इस टेंस को, हम देखेंगे। देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य मानते हैं। उन वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य मानते हैं। किनको? इनमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं अंत में। तो जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह नहा रहा था, वह पढ़ रहा था, ये सारे जो रहा था वाले जो सेंटेंस हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे, जिनमें अपनी देखो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वाज एच वी का यूज किया जाएगा, और आई के साथ भी वाज का यूज किया जाएगा यहाँ पर। और वर्ब आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो यू वी दे एंड नेम्स, इन सारे सेंटेंसेस में जिनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वर्ब का यूज किया जाएगा। और वैसे एक कंडीशन और है, हम जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ से शुरू होने वाले, इफ एज इफ एज दाउ, उनमें अगर हमारे वाज वर्ब का कहीं यूज होता है, पी की फॉर्म कहीं यूज होती है और भी सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, तो वर्ब का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी। तो वाज और वर्ब का यूज है, वाज सिंगुलर के साथ, आई के साथ, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एमबी का यूज करेंगे, एमबी आईएनजी विद ऑल सब्जेक्ट, और एमबी का जब आईएनजी फॉर्म यूज होगी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो वाज हो, वाज वाला हो, चाहे वो वर्ब वाला सब्जेक्ट हो, सबके साथ एमबी आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो हम इन वर्ब्स को चेक कर लेंगे, हमें ये वर्ब देख लेनी है, और ये देख लो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सब ज़्यादा, चाहे हम हिंदी से इंग्लिश का सेंटेंस बनाए या हम इंग्लिश के सेंटेंस में भी करेक्ट फॉर्म वर्ब की करते हैं। अब आ जाइए, मैंने बोला था वैन वायल का यूज कैसे होगा। वैन वायल का यूज होगा, देखिए वैन का यूज और वायल का यूज यहाँ देख लीजिए। वैन के आप अगर यूज करने चलेंगे तो वैन के राइट साइड में जो वर्ब आएगी वो इंडेफिनिट होगी हमेशा, और वैन के लेफ्ट साइड में जो वर्ब होगी वो कंटिन्यूस हो सकती है, अगर कहीं प्रोग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है, कंटिन्यूटी वर्ब की दिखाई जा रही है। तो
बाकी बहन के साथ और भी वर्ब चलती है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकती है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन अगर कंटिन्यूटी दिखाई गई है तो लेफ्ट साइड में पास्ट कंटिन्यूअस होगी और राइट साइड में पास्ट इंडेफिनिट होगी। लेकिन वायर के साथ हमेशा याद रखें, वायर के साथ हमेशा राइट साइड में पास्ट कंटिन्यूअस होगी पास्ट वर्ब प्लस आईएनजी, और इधर पास्ट इंडेफिनिट होगी। हो सकता है यहाँ कंटिन्यूअस भी हो किसी रीजन से कंटिन्यूटी के चक्कर में, लेकिन इधर हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन इनका जो मेन वर्ब है इन कंजंक्शंस का ये है, ठीक, इनको देखेंगे आप, इनके साथ इनका कनेक्शन है। दूसरी वर्ब क्या होती है, अब ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है कि इस वैन वैन के साथ पूरा या वाइल के साथ इस पूरे को आगे लाया जा सकता है, और फिर ये टेंस इधर जब जाएंगे इनको आगे रखेंगे और इन इस टेंस को जो यहाँ यूज किया लेफ्ट साइड में इसको अगर राइट में ले जाएंगे तो हम फिर बीच में कॉमा लगाएंगे, इस तरह इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये है, बाकी जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम है, सारे सेंटेंस में सेम है, सारे टेंसों में सेम है, सिंपल का केवल वर्ब चेंज करनी है, नेगेटिव वर्ब चेंज करनी है, केवल वर्ब का चेंज है, और सभी टेंसों में एक जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वर्ब चेंज होती है। आ जाइए अब हम बात करते हैं किसकी, इधर आ जाइए, पास्ट परफेक्ट टेंस की, किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कि द सेंटेंस विच शोज द वर्ब, द सेंटेंस विच शोज द वर्ब और एन एक्शन ऑलरेडी डन इन पास्ट, कि वो सेंटेंस जिसमें कार्य या क्रिया का पहले से ही पास्ट टेंस में किया हुआ पाया जाता है वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। ऑलरेडी पहले से हो चुका होता है पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट होता है। इसमें हम देख सकते हैं क्या सिंपल वर्ड्स हमारे ऑलरेडी येट जस्ट सो फार, या आपको प्रेजेंट में भी देखने को मिले होंगे, लेकिन अगर ये कहीं पर यस्टरडे या लास्ट टाइम से जुड़े हों या किसी पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हों तो इनका प्रयोग कई बार पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, जो हम क्या करते हैं हम उसको केवल प्रेजेंट का मान के छोड़ देते हैं। नहीं, अगर कहीं पर पास्ट टेंस का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, कि वो पहले ही जा चुका था, ठीक है, ही हैड ऑलरेडी गॉन, ठीक है, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। जस्ट अब आ जाइए, जैसे उसमें था केवल जस्ट और नाव अलग था या जस्ट नाव था, तो नाव को देन में चेंज कर देंगे तो जस्ट नाव अप टू नाव ये था या टिल नाव ये था, हमने क्या कर दिया जस्ट देन अप टू देन टिल देन ये कर दिए। और रिसेंटली लेटली भी कई बार आ जाती है, लेकिन वो स्टोरी के अकॉर्डिंग आते हैं, वो प्रेजेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए वैन बिफोर एंड आफ्टर और दैट, ये चार हमारे कनेक्टिव वर्ड्स हैं। अगर ये जैसे वैन वायर प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस हो रहा था, वैन वायर पास्ट परफेक्ट में वैन बिफोर आफ्टर दैट का यूज होता है, जो हम यहाँ देख रहे हैं। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे हम ये देख सकते हैं इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए आपको नीचे दिया हुआ है सारा कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है देखो, पहले हम ये पहचान देख लें, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, इसमें क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी और चुके थे, ये सब तो आते ही हैं, लेकिन जब चुका था चुकी थी चुके थे कुछ सिंपल हिंदी में अगर हम यूज करते हैं तो या था ये थी ये थे ली थी दी थी, इनसे ऑलरेडी वर्ब के होने का बोध होता है, तो हम या था ये थी ली थी दी थी। अब तीन ऑप्शन हो गए हमारे पास, या है ही है ये है ली है और दी है, इनके साथ है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर इनके साथ कुछ नहीं आ रहा है या ही ये ली थी पास्ट इंडेफिनिट, अगर इनके साथ था वर्ड जुड़ रहा है तो जैसे या था ये थी ली थी दी थी था वर्ड जुड़ रहा है तो था के साथ फिर ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए आगे, ये तो रही पहचान की बात कि अगर ये वर्ड आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब आ जाइए एच भी, हेड लगता है सबके साथ, हेड लगता है सबके साथ, कोई सब्जेक्ट हो कोई चेंज नहीं, हेड है केवल एक एच भी है, और एम भी होता है थर्ड फॉर्म, एम भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जो परफेक्ट टेंस है, ठीक। और पास्ट परफेक्ट, अब आ जाइए करेक्टर्स पर, सिंपल सेंटेंस तो सेम होंगे लेकिन इन कंजंक्शंस के साथ कैसे सेंटेंस बनेंगे, तो देखिए
पेन वाला समझ लीजिए। अब हम बीच में लेकर इनको बना रहे हैं, वही फॉर्मूला अगर हम इनको रखेंगे तो वो पूरा हमें इधर ले लेंगे और इधर वाला सेंटेंस इधर तो कॉमा लगाएंगे बीच में, बट हम बीच में रख रहे हैं। तो देखिए राइट में तो पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है वेन के, जो वायर ऊपर भी था पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इधर यदि स्थिति बनती है पांच परफेक्ट लाने की तो इधर लेफ्ट में आएगा इसके पास्ट परफेक्ट वेन का। राइट में तो निश्चित है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन लेफ्ट में पास्ट परफेक्ट होगा। ये टेंस का यूज है। और बिफोर के लिए आ जाइए, सेम वेन वाली कंडीशन है, वेन के लेफ्ट राइट में, वेन के राइट में तो वही इंडेफिनिट है और लेफ्ट में वही पास्ट परफेक्ट है, सेम कंडीशन है वेन वाली बिफोर वाली। बिफोर के लिए जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो उस वर्ग को हम पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है। तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, जब द डॉक्टर अराइव, तो अपन इस तरह से, तो बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर के राइट में कौन सी वर्ब पहुंच गई, सेकंड फॉर्म, तो बिफोर से पहले कौन सी आ गई, एड प्लस थर्ड फॉर्म, सेम कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब आफ्टर में आ जाइए, बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर, तो परिस्थिति भी स्थिति भी इसकी अपोजिट हो जाएगी कि जहां यहां पास्ट इंडेफिनिट था लेकिन यहां क्या हो जाएगा उल्टा, पास्ट परफेक्ट, राइट एंड पे पास्ट परफेक्ट और लेफ्ट एंड पे पास्ट इंडेफिनिट। और इसका डेट में भी इधर आपने देखा होगा नरेशन वाले बाय ही सेड दैट ही टोल्ड मी दैट, इधर तो इंडेफिनिट और इधर पास्ट परफेक्ट, तो डेट लग जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का भी परफेक्ट बनाना पड़ता है, इधर पास्ट परफेक्ट। तो ये जो कंडीशन है वेन बिफोर की सेम रहेंगी, आफ्टर दैट की सेम रहेंगी, दो दो की सेम रहेंगी और इस कॉम्बिनेशन से। और ज्यादातर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ये डीपली पास्ट टेंस होता है, जिसे हम डीपली पास्ट कहते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव कहते हैं, इसको डीपली पास्ट बोलते हैं। और डीपली पास्ट में मोस्टली सेंटेंसेस ये सिंगल सेंटेंस में नहीं बनते हैं, कोई विषम परिस्थितियों में, विशेष कंडीशन में, कोई रेयर केसेस में आप पास्ट परफेक्ट को सिंगल सेंटेंस में ले सकते हैं, अदरवाइज ये सारे सेंटेंस हमेशा जोड़े से बनते हैं, दो का जोड़ा होता है, ठीक है, एक सिंथेसाइज किया जाता है, कंजंक्शन डाला जाता है बीच में और दूसरे क्लॉज के साथ एक क्लॉज ऐड किया जाता है, तब एक सेंटेंस बन के तैयार होता है। इस तरह से हमने दो टेंस आज आपको डिफाइन किए हैं और आपको ये पेज मिल जाएगा। थैंक यू।